12 अगस्त को रात नहीं होने का वायरल सच। स्वागत है आपका वायरल सच में। वायरल सच में आज बात करेंगे एक ऐसे दावे की जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले 12 अगस्त को रात नहीं होगी। जी हां, सही सुना आपने, सोशल मीडिया पर बिल्कुल यही दावा किया जा रहा है कि 12 अगस्त को 24 घंटे उजाला रहेगा, यानी उस दिन रात में भी दिन जैसा उजाला रहेगा और अंधेरा ही नहीं होगा। साथ ही नासा के कंधे पर बंदूक रखकर सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि 96 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है। लेकिन सवाल यह कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे इस दावे की हकीकत क्या है? क्या 12 अगस्त को रात नहीं होगी? क्या 12 अगस्त की रात में भी उजाला रहेगा? यह सवाल खड़े कर रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा अखबार का टुकड़ा। दो अलग अलग अखबारों की कटिंग है, लेकिन खबर दोनों में लगभग एक ही है। पहले अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, 96 साल में पहली बार 12 अगस्त को नहीं होगी रात। वही दूसरा अखबार जो वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद और कानपुर जैसे शहरों में प्रकाशित होता है, उसमें हेडिंग है, 12 अगस्त को नहीं होगी रात। 12 अगस्त को रात नहीं होने को लेकर सोशल मीडिया में क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, एक एक करके ध्यान से देखिए। पहला दावा, 12 अगस्त को रात में भी दिन की तरह उजाला होगा। दूसरा दावा, 96 साल में पहली बार 12 अगस्त को रात नहीं होगी। तीसरा दावा, 12 अगस्त को 24 घंटे पूरा दिन की तरह उजाला होगा। और चौथा सबसे अहम दावा ये कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान नासा ने कहा है कि ऐसा चमत्कार दुनिया में पहली बार होगा। और पांचवा दावा जो कि लोगों को डरा रहा है, वो ये कि इसे नहीं देखने वाले लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फेसबुक वॉल से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक बस इसी बात की चर्चा है कि 12 अगस्त को रात होगी या नहीं। देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। फेसबुक पर निराले शाह ने लिखा, खबर मिली है कि 12 अगस्त को रात नहीं होगी, यह अद्भुत है, इंतजार रहेगा। ट्विटर पर सागर ने लिखा है, मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, सच में रात नहीं होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। कुछ लोग इसी साल 12 अगस्त को उजाले वाली अनोखी रात को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अनहोनी मानकर डर रहे हैं। चूंकि दावा दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा के हवाले से है, इसलिए हर कोई 12 अगस्त को रात होगी या नहीं इस पर चर्चा जरूर कर रहा है। यह खबर जितना लोगों को अचंभे में डाल रही है, उतना ही डरा और परेशान भी कर रही है। इसलिए वायरल मैसेज का सच देश के सामने लाने के लिए और लोगों में बैठे डर को दूर करने के लिए वायरल सच ने पड़ताल शुरू की। चूंकि दावा विज्ञान से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमें एक ऐसे वैज्ञानिक की तलाश थी जो आसान भाषा में इस जटिल रहस्य से पर्दा उठा पाए, और हमारी तलाश पूरी हुई अंतरिक्ष वैज्ञानिक सीबी देवगन से मिलकर। अंतरिक्ष वैज्ञानिक सीबी देवगन को हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज दिखाया और पूछा कि 12 अगस्त को क्या खास होने वाला है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। 12 तारीख को जो है एक मीटियर शावर होना है, जिसको हम लोग जैसे उल्कापिंड गिरते हैं पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे, तो उनकी वजह से टूटता तारा जिसको हम लोग बोल लेते हैं कि विश मांग लो, तो वो होना है। तो नासा टीवी ने वो हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई 12 तारीख को इतने से बजे से इतने बजे तक ये होगा। वैज्ञानिक ने बताया कि 12 अगस्त खास जरूर है क्योंकि उस दिन मेट्योर शावर यानी उल्का वर्षा होने वाली है। लेकिन उल्का वर्षा या मेट्योर शावर क्या है, ये समझने के लिए आपको टूटते तारों के बारे में जानना जरूरी है। तारा टूटना ये हम लोगों के लिए शुरू से, जब हम लोगों को नहीं पता था तब हम लोग ये मानते कि तारा टूट गया है, लेकिन ये एक छोटे छोटे रेत के दाने की तरह के स्पेस में जो पार्टिकल होते हैं, वो जब हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो घर्षण की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म हो जाते हैं और
हमें एक तरह से जलते हुए नजर आते हैं। जिसे हम टूटता तारा कहते हैं वो सिर्फ एक जलता हुआ कण होता है, लेकिन जब एक साथ एक दिशा से कई सारे जलते हुए कण जमीन पर गिरते हैं तो उसे उल्का वर्षा या मेटियोर शावर कहते हैं। 12 तारीख को मेटियोर शावर होने वाला है, ये बात तो आपको पता चल गई, लेकिन दो सवाल अभी भी बने हुए थे। पहला सवाल, मेटियोर शावर या उल्का वर्षा का रात या दिन होने से क्या संबंध है, और 12 अगस्त को रात होगी या नहीं। वैज्ञानिक ने हमें बताया कि मेट्रो शावर में करीब एक घंटे के अंदर 70 से 80 पार्टिकल गिरते हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें काफ़ी उजाला होगा। लेकिन क्या ये उजाला इतना ज़्यादा होगा कि हमें रात में भी दिन जैसी रोशनी दिखाई देगी? इस बारे में अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने हमें कुछ अहम बातें बताई हैं। जिस समय मेट्योर शावर हो रहा होगा उस वक्त भारत में रात के तकरीबन 10:30 बज रहे होंगे। मेट्योर शावर भारत से इतनी दूरी पर होगा कि हम इसे नहीं देख पाएंगे। पश्चिमी देशों में मेट्योर शावर बिल्कुल साफ नजर आएगा। मेट्योर शावर किसी देश में दिखना या न दिखना पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर करता है। उल्का वर्षा भारत में नहीं नजर आने के पीछे और क्या वजहें हो सकती हैं? सुनिए। ये तब ज्यादा बढ़िया नजर आता है जब आपके आकाश में कोई भी और ब्राइट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और 12 तारीख को करीब आधे चांद की तरह नजर आएगा, तो ये भी अपनी रोशनी बिखार रहा होगा। उस समय चांद नजर आ रहा है तो इनकी अपनी रोशनी हमें नजर नहीं आएगी, तो ये तब ही बढ़िया नजर आता है सबसे, जब हमारे आकाश में चांद नहीं हो। तो ये अमावस्या के समय अगर हो रहा होगा तो हमें ज्यादा बढ़िया नजर आएगा। यहाँ पर हमेशा बादल होते हैं क्योंकि मानसून का सीजन होता है, तो अगर आप तो ऐसी जगह पर हैं जहाँ मानसून नहीं आ रहा है, वहां से आप इसको अच्छी तरह देख पाएंगे। तो ये हम लोग कह ही नहीं सकते कि उस दिन जो है रात नहीं होगी, रात ने तो होना ही है। लेकिन ये खबर जो है ये अपने आप में एक झूठी खबर है जो हर साल फैलाई जाती है कि 12 तारीख को रात नहीं होगी। पहले दावे का सच, उल्कापात भारत से काफी दूरी पर होने की वजह से नजर नहीं आएगा, इसलिए भारत में रात में भी दिन जैसे उजाले की बात झूठी है। दूसरे दावे का सच, मेटियोर शावर लगभग हर महीने होता है लेकिन कुछ ही बार अच्छे से दिखता है, इसलिए 96 साल में पहली बार हो रहा है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तीसरे दावे का सच, मेट्योर शावर कई घंटों तक चलता है लेकिन सिर्फ 1-2 घंटे जब सबसे चमकीले कण गिरते हैं तभी साफ तौर पर दिखाई देता है और रोशनी भी होती है, लेकिन ये रोशनी इतनी नहीं होती कि रात को दिन में बदल दे, इसलिए 24 घंटे दिन की तरह उजाला होने की बात झूठी है। चौथे दावे का सच, नासा ने सिर्फ ये बताया है कि 12 अगस्त को मेट्योर शावर यानी उल्का वर्षा होगी और इतने बजे होगी। नासा ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये चमत्कार दुनिया में पहली बार होगा, क्योंकि हर साल अगस्त में मेट्योर शावर होता है। पांचवे दावे का सच, भारत में मेट्योर शावर या उल्का वर्षा दिखेगा ही नहीं, इसलिए न देखने वालों को नुकसान होने की बात भी निराधार है। इसलिए हमारी पड़ताल में इसी साल 12 अगस्त को रात नहीं होने की बात पूरी तरह से झूठी साबित हुई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।